यहाँ पर जिस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में बेचे जाते हैं उसकी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ओला कंपनी की कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, ऐसे में कौन सी आपके बजट रेंज के अंदर आएगी, क्या इसमें आपको रेंज मिल जाती है, स्पीड क्या देखने को मिल जाती है, इसके साथ इस पे वारंटी क्या मिल जाती है, सब्सिडी क्या मिलती है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। जिससे कि अगर आप ओला इलेक्ट्रिक की कोई भी स्कूटर खरीदने से पहले आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसका कौन सा मॉडल लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर ही बारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले इसके सबसे कम प्राइस वाले स्कूटर से स्टार्ट करते हैं जो कि ओला S1 एयर है, जो कि सबसे लास्ट में इसको लॉन्च भी किया गया है। इसमें कंपनी टोटल 5 कलर ऑप्शन देती है जिसमें व्हाइट, नियो मिंट, रेड, जेट ब्लैक और लिक्विड सिल्वर शामिल है। तो इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो ओला S1 और ओला S1 प्रो से ये थोड़ी सी अलग डिजाइनिंग के साथ आपको मिल जाएगी क्योंकि इसमें डुअल टोन का कलर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक और आपको एक दूसरे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर फ्रंट से लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जब नीचे आएंगे यहाँ पे सस्पेंशन में थोड़ा सा बदलाव है तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको फ्लैट फ्लोर बोर्ड भी मिल जाती है और पीछे ग्रेवरेल भी आपको राउंड शेप में पाइप वाली देखने को मिल जाती है। तो ये छोटे मोटे एलिमेंट आपको ओला S1 और ओला S1 प्रो के मुकाबले में ओला S1 एयर में दी गई है जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग आपको डिजाइनिंग के साथ देखने को मिल जाती है। तो इनके बात कर लेते हैं मोटर की, तो इसमें आपको हब मोटर मिल जाता है और जो कि 4.5 किलोवाट का पीक पावर भी जनरेट करती है और इसमें जो बैटरी लगी हुई है 2.5 किलोवाट आवर के साथ मिल जाती है और इसमें भी फिक्स बैटरी दी गई है। चार्जिंग इसमें पीछे लगता है और इसकी बैटरी चार्ज होने में लगभग 4 आवर 30 मिनट का समय भी लेती है और एक बार चार्ज होने के बाद ये स्कूटर 101 किलोमीटर तक चल सकती है। लेकिन ये IDC रेंज है, ट्रू रेंज इसमें केवल 76 किलोमीटर पर चार्ज की देखने को मिलती है। तो इसकी जो टॉप स्पीड है 85 km/h तक है और ये 0-40 km/h रफ्तार मात्र 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है। तो इसमें जो सस्पेंशन सेटअप लगा हुआ है फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक और रियर में डुअल शॉक सस्पेंशन दिया गया है जो कि ओला S1 के मुकाबले और ओला S1 प्रो के मुकाबले में यहाँ पे अलग सस्पेंशन मिल जाता है फ्रंट के साइड। तो इसके टायर साइज की बात करें तो फ्रंट और रियर में 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और यहाँ पे ओला S1 एयर में हब मोटर दिया गया है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सीट मेटल व्हील मिलता है, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं तो ये भी थोड़ा सा आपको अंतर मिल जाएगा। तो इसके फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। बाकी फीचर्स की बात करें, फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें CBS दिया गया है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ओला S1, ओला S1 एयर और ओला S1 प्रो सभी में फीचर्स लगभग सेम मिल जाते हैं, कुछ फीचर्स में आपको अंतर मिल जाता है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा इसमें 7 इंच का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है जहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, इसमें आप डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं जैसे कि आपका लाइसेंस हो गया तो ये सारी चीज़ यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसमें आपको बैटरी रेंज, ऑडोमीटर, ट्रिप टेम्परेचर, क्लॉक, काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं जिसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स शामिल है और इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है यानी स्पीकर्स भी लगा हुआ है। तो इसमें USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए, साइड डिस्टेंस सेंसर भी लगा हुआ है, 34 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे सामान वगैरह रख सकते हैं, रिवर्स मोड भी इसमें मिल जाता है। तो इसमें आपको क्या नहीं मिलता है, तो इसमें आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा और हाइपर मोड इसमें आपको नहीं मिलता है। तो इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म भी दिया गया है और कंपनी इसमें MoveOS 3 का भी अपडेट दे रही है जिसमें आपको प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक मोड्स यानी कि फेक एग्जॉस्ट साउंड, हील होल्ड, ये सारे फीचर्स भी आपको इसमें मिलेगा। MoveOS 3 में क्या क्या नए अपडेट मिलेंगे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं कि MoveOS 3 में कौन कौन से नए फीचर्स कंपनी ने ऐड करके दे रही है जिससे कि आप अपडेट कर सकते हैं अपने स्कूटर्स को। वारंटी की अगर बात करें तो इसमें आपको 3 ईयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर जो पहले आ जाएगा उस पर आपको बैटरी पे वारंटी दे रही है कंपनी। बाकी कुछ डायमेंशन की बात करें तो इसका जो लेंथ है 1865 mm, V710 mm, हाइट 1155 mm, व्हील बेस 1359 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सीट हाइट 792 mm, कर्व वेट इसका 99 kg है, तो इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी 150 kg तक है। तो ये आपको कुछ डायमेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि इसकी जो सीट हाइट है एक्टिवा के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जरूर है। तो वहीं बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ओला S1 एयर का जो एक्स रूम प्राइस है 84,999 यानी कि 84,999 रुपये तक है और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसमें आप 12,000 से 14,000 रुपये तक और भी ऐड कर सकते हैं, वो आपको ऑन रोड प्राइस इसकी देखने को मिल जाती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आपको पैसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये सब्सिडी के बाद ये प्राइसिंग है। तो वहीं आगे बात करते हैं ओला S1 की, जो इसका दूसरा मॉडल है। इसका भी लुक आपको ओला S1 प्रो के जैसे ही देखने को मिल जाती है लेकिन इसमें केवल 5 कलर ऑप्शन दिया गया है जिसमें व्हाइट, नियो मिंट, कोरल ग्लैम, जेट ब्लैक और लिक्विड सिल्वर शामिल है और ओला S1 एयर के मुकाबले में इसकी डिजाइनिंग आपको थोड़ा सा अलग क्यों लगेगी क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट में सस्पेंशन दिया गया है वो सिंगल फोर्क मिलता है, अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसका ग्रेवरेल की डिजाइन दे सकते हैं पीछे दिया गया है और यहाँ पे आपको फ्लोरबोर्ड फ्लैट नहीं मिलता है, थोड़ी सी कर्वी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग यहाँ पे डिजाइनिंग के मामले में देखने को मिल जाती है। सिंगल टोन का कलर मिलता है, यहाँ पे डुअल टोन का कलर नहीं दिया गया है
तो ये थोड़े बहुत एलिमेंट आपको ओला S1 एयर के मुकाबले यहाँ पे अलग देखने को मिलेगी। तो इसमें जो मोटर लगी हुई है मिड ड्राइव मोटर दिया गया है, इसमें आपको हब मोटर नहीं मिड ड्राइव मोटर मिलता है, ये भी थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो मोटर है 8.5 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करती है। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें 3 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है जो कि लिथियम आयन बैटरी है, फिक्स बैटरी है। चार्ज होने में लगभग 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे का समय लेती है। तो अगर रेंज की बात करें तो IDC रेंज इसकी 141 किलोमीटर पर चार्ज की है, लेकिन जो ट्रू रेंज है इको मोड में 128 किलोमीटर पर चार्ज की आपको देखने को मिलेगी। टॉप स्पीड इसकी 95 की एमपीएस तक है, 0-40 की एमपीएस तक रफ्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है। तो ये आपको कुछ इसके परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में सिंगल साइड फॉर्क लगा हुआ है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। तो सस्पेंशन सेटअप भी ओला S1 एयर के मुकाबले में थोड़ा सा अलग है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल आपको राइड देगी। लेकिन टायर और ब्रेक्स की अगर बात करें तो फ्रंट और रियर में 110/70 के 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और इसमें अलॉयवेस दिए गए हैं। तो इसके फ्रंट में आपको 220mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 180mm का मिल जाता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो फीचर्स लगभग ओला S1 एयर वाले इसमें भी मिल जाते हैं, ये टॉप मॉडल उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़े से एक्स्ट्रा भी इसमें फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है जहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। स्पीड, फ्यूल ऑडोमीटर, वॉइस कंट्रोल ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। इसमें 36 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, तो थोड़े से बड़ा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, कीलेस अनलॉक मिल जाता है, एंटी थेफ्ट अलार्म दिया गया है। इसमें भी 3 राइडिंग मोड मिल जाता है जिसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट शामिल है। रिवर्स मोड भी इसमें दिया गया है और इसमें आपको मूव व्यवस्था का अपडेट भी मिलेगा जहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक, हील होल्ड मोड्स यानी कि फेक एग्जॉस्ट साउंड, स्पीकर्स ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और मल्टीपल प्रोफाइल शेयरिंग भी है यानी कि अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं, वो स्कूटर यूज़ कर सकता है पिन कोड डाल के। तो ये सारी चीज़ आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इससे भी आपको वारंटी वही मिलता है 3 ईयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर जो पहले आ जाए। तो इसके जो डायमेंशन है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। इसका जो लेंथ है 1859mm, V712mm, हाइट 1160mm, व्हील बेस 1359mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165mm, सीट हाइट 792mm और इसका जो कर्व वेट है 121kg है, यानी लगभग ये 20kg तक भारी है ओला S1 एयर के मुकाबले में। तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी 150kg तक देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो ओला S1 का जो एक्सरूम प्राइस है 99,999 यानी कि 99,999 रुपये तक है। तो इसकी ये प्राइस है ओला S1 एयर के मुकाबले में 15,000 रुपीज़ तक ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें बैटरी पैक थोड़ी सी बढ़ी दी गई है, फीचर्स भी थोड़े से आपको अलग देखने को मिल जाती हैं। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस होने वाली है लगभग आपको 1,16,000-17,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है ऑन रोड इसकी दिल्ली में प्राइस। तो ओला इलेक्ट्रिक की सबसे आखिरी जो टॉप मॉडल स्कूटर है ओला S1 प्रो, तो उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो इस मॉडल में कंपनी टोटल 11 कलर ऑप्शन देती है। जो स्टैंडर्ड कलर है उसमें 10 कलर दिए गए, वहाँ पे व्हाइट, नियो मिंट, कोरल ग्लैम, जेट ब्लैक, मार्शमेलो, लिक्विड सिल्वर, पिंक, ग्रे, ब्लू, मैट ब्लैक, ये आपको 10 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन एक कलर ऑप्शन और भी आपको मिल जाता है जो कि खाकी कलर है, ये थोड़ी सी महंगी है आपको मिलेगी। तो ये आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं ओला S1 के जैसे, यहाँ पे भी प्रो में भी आपको डिजाइनिंग मिल जाता है, डिजाइनिंग में कोई भी अंतर नहीं है, केवल ओला S1 एयर इन दोनों मॉडल से थोड़ा सा अलग है। बाकी ओला S1 और ओला S1 प्रो दोनों का डिजाइनिंग आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे लुक आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो मोटर लगी हुई है उसकी बात करें तो इसमें भी मिड ड्राइव IPM मोटर लगा हुआ है जो कि 8.5 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है और 58nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो ये आपको ओला S1 वाला ही देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें जो बैटरी लगी हुई है 4 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है जो कि फिक्स बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है जो कि चार्ज होने में लगभग 6 आवर 30 मिनट का समय लेगी। और सिंगल चार्ज होने के बाद सर्टिफाइड रेंज इसका 181 किलोमीटर पर चार्ज की है, लेकिन जो ट्रू रेंज है 170 किलोमीटर पर चार्ज की मिल जाएगी जो कि इको मोड में आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी जो टॉप स्पीड है 116 km/h तक है और 0-40 km/h रफ्तार मात्र 3 सेकंड में पकड़ लेगी। तो ये आपको स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में सिंगल साइड फॉर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है जैसा कि ओला S1 में आपने देखा है। टायर साइज फ्रंट और रियर में आपको 110/70 के 12 इंच का लगा हुआ है जो कि अलॉयवेस के साथ मिल जाती है। फ्रंट में 220mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 180mm का डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है। बाकी कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाएगी। यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फोन कॉल रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट, म्यूजिक कंट्रोल, बैटरी स्पीड, राइडिंग मोड्स, वॉइस कंट्रोल, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसा कि बाकी स्कूटर में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको 4 राइडिंग मोड मिल जाएगा। अभी तक जो आपके 2 मॉडल देखे हैं वहाँ पे केवल 3 राइडिंग मोड था, यहाँ पे 4 राइडिंग मोड है जहाँ पे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। इसके अलावा इसमें हाइपर मोड में मिल जाता है।
और इसमें हाइपर चार्जिंग भी आपको मिल जाती है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जो कि बाकी दो मॉडल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल ओला S1 प्रो में ये दो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको हील होल्ड, प्रॉक्सिमिटी, लॉक अनलॉक मोड्स, मल्टीपल प्रोफाइल शेयरिंग, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। पार्टी मोड मिल जाएगा, तो ये सारे फीचर्स आपको लगभग सभी मॉडल्स मिल जाते हैं। इसमें 36 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है, रिवर्स मोड भी मिल जाती है, कीलेस एंट्री मिल जाएगी, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अगर फीचर्स वाइज बात करें तो लगभग तीनों स्कूटर्स में फीचर्स आपको अच्छे खासे मिल जा रहे हैं, फीचर्स लगभग तीनों में आपको सिमिलर मिल जाती है, कुछ फीचर्स बस आपको अंतर देखने को मिलेगा। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से फीचर्स इस मॉडल में मिलेंगे। बाकी कुछ के डायमेंशन की बात करें तो इसका जो लेंथ है 1859 mm विथ 712 mm, हाइट 1160 mm, व्हील बेस 1359 mm, ग्राउंड केस 165 mm, सीट हाइट 792 mm और इसका जो कर्वेट है 125 kg है, यानी कि 4 kg भारी है ओला S1 के मुकाबले में। बाकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस आपको क्या देखने को मिल जाती है। तो ओला S1 प्रो का जो एक्सरूम प्राइस है 129,999, यानी कि 129,999 रुपये तक है, लेकिन जो इसका खाकी कलर है वो थोड़ा सा 10,000 महंगा है, उसके एक्सचेंज प्राइस 139,999, यानी कि 139,999 रुपये तक है। यानी कि ओला S1 और ओला S1 प्रो के प्राइसिंग में लगभग 30,000 का आपको फर्क देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के जितने भी मॉडल्स हैं, तीन मॉडल्स बेचे जाते हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, उनकी जानकारी मैंने आपको डिटेल दे दिया है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या प्राइसिंग देखने को मिल जाती है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। तो इनमें से जो आपके बजट रेंज के अंदर है, अपने जरूरत के हिसाब से उसको आप परचेस कर सकते हैं। जिनको डेली ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना है, केवल 25 से 30 किलोमीटर ही जाना है, या फिर इनको 50 किलोमीटर भी डेली जाना है, तो ऐसे में आप ओला S1 एयर के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको रेंज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, मिडिल रेंज में चाहिए, अगर आपको डेली 70 से 80 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो ऐसे में आप ओला S1 को ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको उससे भी ज़्यादा डेली चलना है, या फिर आपको डेली चार्ज नहीं करना है, एक बार चार्ज करके एक हफ्ते चलाना है, जैसे में आप ओला S1 प्रो के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पे रेंज आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको प्राइसिंग, आपको रेंज के हिसाब से प्राइसिंग भी देखने को मिल जाती है। जितना ज़्यादा आप रेंज लेंगे स्कूटर में, प्राइस आपको उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी पैक बड़ी हो जाती है और मेनली स्कूटर्स में बैटरी का ही पैसे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनमें से कोई अगर आप स्कूटर चलाते भी हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी परचेस करने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।